हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वेडनेसडे है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये क्लीनिंग मैं मिनिमम टाइम यानी कि कम से कम टाइम में मैंने कंप्लीट करने का टास्क लिया हुआ है। तो आपको मैं पूरे घर की हालत एक बार दिखा देती हूँ। शुरुआत से मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ है, लंच भी मैंने बना दिया है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, थोड़ा अभी लेफ्ट ओवर फूड है, स्टोव की हालत भी बहुत ख़राब है। देखिए, सुबह एक तो चाय बनती है, नाश्ता बनता है, फिर खाना बनता है, साथ ही साथ गैस भी गंदा हो जाता है, पूरा किचन मैसी हो गया है। यहाँ से वहाँ तक किचन की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। बाकी अब हम चलते हैं कमरे में। कमरे की भी हालत सेम वैसी ही है। एक तो सुबह वैसे भी जल्दी जल्दी रहती है, मैं बस नहा के जल्दी से पूजा करके कुकिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी ऑफिस निकलना होता है, तो मैं उतने अच्छे से क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। बहुत ही जल्दी से बस मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। 10 बज गए हैं, क्योंकि मैं 10 बजे तक कुकिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट लंच मैंने सब कुछ बना दिया है, उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो क्लीनिंग की शुरुआत मैं सबसे पहले बालकनी से करूँगी। सबसे पहले मैं बालकनी में झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि बालकनी में डेली डस्ट बहुत आ जाता है, मिट्टी वगैरह आ जाती है, क्योंकि यहाँ गमले भी रखे हुए हैं। तो मैं डेली बालकनी में झाड़ू लगाती हूँ। एक तो इधर अगल बगल सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है बालकनी में। तो सबसे पहले मैं बालकनी में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पूरे घर में लगाऊंगी। तो बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद अंदर के रूम में जो भी क्लटर फैला हुआ है, सबसे पहले मैं उसको समेटूंगी, क्योंकि जब तक सामान अरेंज करके नहीं रखते हैं फिर क्लीनिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए सब सामान अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं, फिर झाड़ू पोछा करने में ईजी रहता है और टाइम भी बच जाता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो मैं यहाँ सबसे पहले ब्लैंकेट को फोल्ड करूँगी। और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के क्लीनिंग के वीडियोस देखने से मोटिवेशन मिलता है, काम करने में एनर्जी भी आती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं इस टाइप के क्लीनिंग के वीडियोस देखती हूँ या फिर घर मैनेज करने के वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, खुद को भी अच्छा फील होता है कि हमें भी काम करना चाहिए इनकी तरह, मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेड वगैरह मैंने अरेंज कर दिया है। अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी अंदर के कमरों में, इसके बाद मैं मॉपिंग का काम करूंगी। पूरे घर में झाड़ू लग गया है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं जूठे बर्तन को साफ करूँगी, लेकिन उससे पहले काउंटर टॉप पर जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है उसको हटाऊँगी। इसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर फूड है उसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और वो धोने के लिए रखूँगी।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कढ़ाई में अभी सब्ज़ी बची हुई है, तो इसको मैं दिन के लंच में यूज़ कर लूँगी। तो इसको मैं खाली कर दूँगी और इसको धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे कि कुकर हो गया, कढ़ाई वगैरह हो गया, इंगेज रहता है तो ऐसा लगता है देखने में कि किचन भरा भरा सा है और बहुत सारा काम पड़ा है। इसलिए सबसे पहले कुकर कढ़ाई को मैं खाली कर देती हूँ, उसको बाउल वगैरह या छोटे कैस्ट्रॉल में ट्रांसफ़र करके स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। इससे किचन का काम करने में ईजी रहता है। तो बर्तन क्लीन करने से पहले मैं काउंटर टॉप पर स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि जूठन वगैरह जो है कभी कभी गैस वगैरह पे या रैक पर गिर जाता है तो वो सूख जाता है। स्प्रे करने से ये भीग जाता है और फिर क्लीनिंग करने में इजी रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो मैंने ये किचन क्लीनर सॉल्यूशन बनाया है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो सबसे पहले मैं बर्तन से जूठन निकाल करके अलग रख देती हूँ, फिर मैं इसे क्लीन करूँगी। इस तरह से क्लीन करने में ईजी रहता है। अब बर्तन क्लीन हो चुके हैं। बर्तन क्लीन करने के बाद मैं तुरंत सिंक एरिया को भी क्लीन कर देती हूँ। मैं कभी कभी डिटर्जेंट से क्लीन कर देती हूँ या फिर मैं सोप से क्लीन कर देती हूँ। मैं डेली सिंक एरिया को भी क्लीन करती हूँ बर्तन तुरंत वॉश करने के बाद। अगर मैं कभी नहीं कर पाती हूँ या ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो मैं अल्टरनेट डेज पर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सिंक एरिया जो है साफ़ सुथरा रहता है, दाग धब्बे नहीं दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, गैस को क्लीन करूँगी। तो देखिए, किचन को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी खाने पीने का पार्टिकल्स अगर रह जाता है इधर उधर तो कॉकरोच या छिपकली वगैरह आ जाती है रात में, तो जो कि बहुत गंदा लगता है। इसलिए किचन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, इससे माइंड भी फ्रेश रहता है और मन को भी शांति मिलती है और घर में पॉजिटिविटी सी आती है।
तो देखिए, मुझे बर्तन क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बाकी की जो क्लीनिंग होती है, काउंटर टॉप हो गया या स्टोव हो गया, इसको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ इसको। तो अब बारी आती है मॉपिंग की। तो अब मैं मॉपिंग करूँगी पूरे घर में। तो सबसे पहले मैं रूम में लगाऊँगी, फिर किचन में लगाऊँगी। तो पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट। देखिए, जिस दिन मुझे डस्टिंग करनी होती है उस दिन मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं डेली डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उस दिन कर लेती हूँ या फिर अल्टरनेट डेज पर करती हूँ। तो बस यही था, आज मुझे जल्दी जल्दी क्लीनिंग करना था इसलिए मैं डस्टिंग नहीं कर पाई। तो क्लीनिंग से पहले घर की हालत कुछ ऐसी थी और ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा टास्क है, और क्लीनिंग के बाद कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड घर देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश ब्रीथिंग करने लगता है। और घर का सारा काम कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल क्लीन देखने को मिले घर, तो बहुत ही खुशी मिलती है और अंदर से बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। और फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा घर के काम करने के लिए, अंदर से एनर्जी भी आएगी। तो अब मैं बताती हूँ कि मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करने में कितना टाइम लगा। तो मैंने 10:15 पर क्लीनिंग करना स्टार्ट किया था और अब जो है 11 बज रहा है, मतलब 11:10 हो रहा है। तो मुझे 1.25 घंटा क्लीनिंग करने में लग जाता है। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अब मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, क्लीनिंग से जो रिलेटेड थे। वैसे घर के तो जो काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, जितना भी कोशिश कर लो ख़त्म करने की, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वैसे अभी जो टाइम हो रहा है वो अभी 12:30 हो रहा है और मैंने 11:15 तक घर के काम जो है ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद मैंने खुद खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और विहान को भी खाना खिलाया। और विहान जो है आज जल्दी सो गया है, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, 6 बजे उठ गया था। तब से वो कॉन्टीन्यूसली खेलने में ही लगा था, तो वो इससे थोड़ा थक गया और फिर सो गया वो खाना खा के, जिसकी वजह से वो आज नहा भी नहीं पाया। तो मैं उसको कल नहलाऊंगी। और आज मैंने कपड़े धोने की मशीन नहीं लगाई, क्योंकि मैं डेली कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। मैं इकट्ठे कर लेती हूँ 2 दिन के, तभी मैं कपड़े वॉश करती हूँ। और आज कपड़े भी बहुत कम थे इसलिए मैंने आज नहीं लगाया। जब कपड़े 2 या 4 रहते तो मैं मशीन नहीं चलाती हूँ, जब इकट्ठे कर लेती हूँ तभी लगाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो की एडिटिंग करने, क्योंकि अभी मुझे एक वीडियो एडिट करके उसे पोस्ट करना है। और क्योंकि विहान जब सो जाता है तभी मैं वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ, और या फिर जो भी यूट्यूब से रिलेटेड मेरा काम होता है विहान के सोने के टाइम पर ही हो पाता है, क्योंकि जब वो जगा रहता है तो अपने साथ साथ मुझे भी काम में लगाया रहता है। अगर वैसे तो दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लूँ, नहीं तो फिर रात में मैं करती हूँ। जब वो सो जाता है रात में 10:15 पे, वो ऑलमोस्ट सो ही जाता है, तब मैं ये काम करती हूँ। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर से मिलूँगी एक नए और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।